सकते। बाबा साहब को ये मत ना सोचना कि बाबा साहब को हम इतना चारों तरफ से बंद कर देंगे। अरे बाबा साहब कहीं यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ तुम्हारी क्या औकात जो ये गेट लगा के लेके हमारे दिलों से बाबा साहब निकाल दो। हम तो जहाँ चाहे बाबा साहब को वहाँ पूज सकते हैं, जहाँ हमारा हक है हम वहाँ पूज सकते हैं। आप कभी देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या है यहाँ पर, लेकिन सारी परंपरा देखिए आपके भी गले लगे। हमारे हर साल कार्यक्रम होता है, हर साल श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या राय है आपकी, क्या प्रतिक्रिया है? हमारी राय ये है कि अगर ये गेट अगर नहीं खुलेगा, ये तरीका पहले सबसे तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो ये बदतमीजी इन्होंने करी है, सबसे बड़ी बदतमीजी है कि इस गेट बंद है, हमारा नहीं हमारे बाबा साहब का अपमान करा है। और जिस बाबा के संविधान की वजह से, जिस बाबा की बदौलत आज मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये उनको सोचना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि आज के दिन आज बाबा साहब का शोक मनाया जाएगा और यहाँ पे ये गेट बंद कर रखा है। इन बदतमीज लोगों को, इन मनीवादियों को इनको शर्म आनी चाहिए। ये नीच लोग चार ये पुलिस वाले खड़े कर दिए, क्या इन्होंने अपनी सरकार बना रखी है? ये सरकार ईमानदार रखी है, ये गुंडों की सरकार है। मैं जानना चाहती हूँ ये पुलिस वाले से, क्या पुलिस वाले क्या सरकार की गुलामी है? किसी को मोदी सरकार जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी को भी गुलाम बनाने की गुलाम बनाना ना चाहे। अगर गुलाम बनाना चाहोगे तो हमारे सामने फेस टू फेस आके बात करें और हम बताते हैं मनुवादी लोगों को और मोदी जी को कि गुलाम किस तरीके से बनाया जाता है। गुलाम जब जमाना होगा होगा, आज की डेट में कोई गुलाम नहीं है, कोई किसी का गुलाम नहीं है और हम गुलामी की आज़ादी में नहीं जिएंगे। हम गुलाम जिनको जब बना के जिता के कुर्सी पर बैठा सकते हैं, संसद में बैठा सकते हैं ना, तो अपने जूते की नोक पे भी बैठा सकते हैं। जैसे हम कुर्सी को बना के और चारों तरफ से बैठा के लेके अगर एक टांग तोड़ देना तो धरती पे मुंह के बल गिर के आएंगे नरेंद्र मोदी जी। इनको शर्म नहीं है कि शर्म बिल्कुल भी लिहाज नहीं है कि इस तरीके से हमारे बाबा साहब का ये हम लोगों का अपमान करना चाहिए? डूब मरो इस तरीके से, ये गलत बात है। अगर हमारी आवाज सुन रहे हो या लाइव चल रही हो या कुछ भी विवाद हो रहा हो तो इसको गौर से सुन ले, ईमानदारी से, आराम से, अपने इन सिपाहियों से, अपने पुलिस फोर्स से। ये हमारे भाई हैं, ये किसी और के नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि गेट आराम से खुलवाए, रिक्वेस्ट करते हैं कि गेट आराम से खुलवा दीजिएगा। अगर गेट नहीं खुला तो हम यहाँ पे कोई भी कुछ भी कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हम अपने बाबा साहब के लिए जो जीते हैं और लड़ते हैं और मरते हैं तो हम संघर्ष के लिए लड़ भी सकते हैं। हम गुस्सा इतना बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बहुजन समाज के जो लोग पूरे देश विदेश से यहाँ पर आए हैं, आप देख रहे हैं सड़कों पर बैठकर अपना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन सड़कों पर बैठकर शुरू कर दिया है। कोई भी अधिकारी सड़क जाम कर दी गई है, जिसका अंदेशा बहुत देर पहले से हो रहा था। कहाँ जाते हैं पुलिस प्रशासन? अरे सरकार, जो भी
देशों में बैन हो चुकी थी, उसे यहाँ लाके इससे जीताएंगे। सारा धोखेबाज हो वो गेट लगा दे कि मेरे अंदर को ना आए। क्या आज बाबा साहब के ये मत ना सोचना कि बाबा साहब को हम इतना चारों तरफ से बंद कर देंगे। अरे बाबा साहब कहीं वहाँ बसे हुए हैं यहाँ, तुम्हारी क्या औकात जो ये गेट लगा के लेके हमारे दिलों से बाबा साहब निकाल दो। हम तो जहाँ चाहे बाबा साहब को वहाँ पूज सकते हैं, जहाँ हमारा हक है हम वहाँ पूज सकते हैं। समता आवाज टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।